और वेस्ट इंडीज के बीच कल किंगस्टन में T20 मैच, कप्तान कोहली कर सकते हैं ओपनिंग। गेल की वापसी से वेस्ट इंडीज के हौसले बुलंद, 15 महीने बाद वेस्ट इंडीज के लिए गेल खेलेंगे। महिला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया 274 रनों का लक्ष्य, विजेली ली ने सबसे ज्यादा 92 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने चौथे वनडे में डकवर्थ लुईस में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, सीरीज 2-2 से बराबर। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 301 रन का दिया था लक्ष्य, डिकवेला का लगातार दूसरे मैच में शतक। डिकवेला और दानुष्का ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पहले विकेट के लिए लगातार 2 मैच 2 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। लॉस टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पारी 261 रन पर सिमटी, पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड 97 रन से आगे। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज रबाडा एक मैच के लिए सस्पेंड हुए, स्टोक्स के आउट होने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाएंगे रबाडा, मैच फीस का 15% जुर्माना भी लगा। रबाडा को सस्पेंड किए जाने के आईसीसी के फैसले पर ग्रिम स्मिथ ने सवाल उठाए, माइकल वॉन भी फैसले के खिलाफ। महिला हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से, भारत के ग्रुप में चिली, अमेरिका और अर्जेंटीना भी शामिल। भारत के हरेंद्र संधू ने कमाल किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश का खिताब जीता।